Dear students, in this module, we are going to talk about one of the most important aspects of components of culture, that is the values. So, values are the beliefs about what is good, right, or wrong, and important or unimportant within the culture. So, based on the values, we would be able to determine the rightness versus the wrongness. किसी भी काम को किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिज़ायरेबल सोशल स्टैंडर्ड्स का होना ज़रूरी होता है ये जो डिज़ायरेबल सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं माशरे उनको वैल्यू करते हैं या वैल्यूज़ का नाम देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वट इज़ डिज़ायर्ड फॉर अ स्टूडेंट इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी तो वैल्यू क्या है उसके ग्रेड्स जो हैं आर कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल उसकी पोजिशन जो है क्लास के अंदर इज़ कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल सो वैल्यूज इन अ सेंस देव यू द दो स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन विच यू वुड बी एबल टू परफॉर्म विद इन योर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स हम बड़ों की इज्जत करने को बहुत वैल्यूएबल बिहेवियर कंसिडर करते हैं इन कंपेरिजन टू दैट हम ये देखते हैं दो हुर डिसरिस्पेक्टिंग द एल्डर आर कंसिडर द बैड पीपल हु आर रिस्पेक्टिंग द एल्डर आर कंसिडर द गुड पीपल सो नॉर्म्स जो हैं उसके मुताबिक ही फिर डिफाइन होती हैं कि रिस्पेक्ट को अगर आप वैल्यू कंसिडर करते हैं तो नॉर्म्स उसकी ये होंगी दैट द प्रोसेस थ्रू विच यू आर रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स फॉर एग्ज़ाम्पल उनसे अदब से अखलाक से तमीज़ से बात करते हैं तो ये आपकी नॉम्स होंगी और इन नॉम्स का मकसद या पर्पज़ क्या होगा उस वैल्यू को अचीव करना तो वैल्यू आपके लिए क्या है रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स सिमिलरली ऑनेस्टी है इन कंपैरिजन टू डिस वो डू वैल्यू दी ऑनेस्टी अब उस ऑनिस्टी की वैल्यू को कैसे अचीव करना चाहिए माशरे में तो मुशरे ने इसके लिए भी स्पेसिफिक नॉर्म्स डेवलप की हुई हैं इसी तरह सोशल इक्वालिटी है माशरे के अंदर जो है हम बराबरी की सतह के ऊपर लोगों को ट्रीट करें रिस्पांसिबिलिटी है जो इन होते हैं उनको लेस वैल्यूबल कंसिडर किया जाता है दोज मोर रिस्पांसिबल आर कंसिडर्ड मोर वैल्यूएबल पीपल तो इंपॉर्टेंस क्या है आपके कल्चर के अंदर इन वैल्यूज़ की दैल्यूज गाइड द इंडिविजुअल बिहेवियर एंड हेल्पस इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग किसी भी इंडिविजुअल को माशरे के अंदर ग्रुप एक्टिविटी के अंदर इंस्टीट्यूशनल पैट स्ट्रक्चर के अंदर अपना रोल परफॉर्म करने के लिए इन वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है ये आपके लिए स्टैंडर्ड होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हम अपने एक्शंस या अपने बिहेवियर्स को परफॉर्म करते हैं वैल्यूज शेप द वे पीपल इंटरक्ट एंड रिलेट टू वन एंड अदर एक दूसरे के साथ हमारे जो भी ताल्लुक हैं उन सब के लिए जो स्टैंडर्ड डेवलप कर रखे होते हैं वो इसी वैल्यू सिस्टम के थ्रू देखे जाते हैं सो वैल्यूज़ डू शेप द वे पीपल इंटरक्ट और आपस में हमारे जो बात करने का अंदाज है जो आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाने का अंदाज़ है उसके पीछे भी ये वैल्यू सिस्टम कारमा होता है सो वैल्यूज़ हेल्प टू डिफ़ाइन एंड री इन्फोर्स द कल्चरल आइडेंटिटी द मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यह है कि ये आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को ना सिर्फ डिफाइन करती हैं बल्कि री करती हैं For example, if money is considered value in your society, those who would be achieving uh, the high financial status would be considered more valuable in your society. So examples Pakistani society, if we look at values, the importance of family and community, respect for elders, religious beliefs and practices are also considered valuable.